हेलो क्लास फोर, वेलकम टू इवियस क्लासेस. इन इवियस यू आर स्टार्टिंग चैप्टर फाइव. चैप्टर नेम इज फन एंड गेम्स. कल हमने एक स्टोरी पढ़ा. इसमें एक बच्चा रहता है जिसका नाम रहता है जॉन. वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है. तब तक जॉन और बिट्टू की किसी बात पे दोनों के बीच में अनबन होने लगती है, झगड़ा होने लगता है. और जब जॉन के पापा जाते हैं, पता लगाते हैं कि क्या हुआ है, तो पता चलता है कि जॉन जो है वो गलत था. जॉन आउट हो चुका था, लेकिन वह बिट्टू को बैट नहीं दे रहा था. जॉन का मानना ये था कि बैट उसका है, उसकी जमीन पे खेला जा रहा है, तो उसको एक चांस और मिलना चाहिए. तो इस तरह से जॉन गलत था. खेल जो है हमेशा फेयर होना चाहिए. जो भी गेम में जो भी रूल और रेगुलेशन होते हैं, उसको वो सबके लिए बराबर होने चाहिए, किसी के लिए अलग नहीं होना चाहिए. तो इसी तरह से फिर जॉन की सिस्टर, जिसका नाम था एनी, उसको बिट्टू गेम में शामिल नहीं कर रहा था, तो उसने भी बोला कि ये भी जो है ये भी मुझे शामिल नहीं कर रहा है गेम में. और वो ये बताता है कि गेम जो क्रिकेट है वो केवल लड़कों का गेम है, लड़कियां नहीं खेल सकती, इसलिए मैं तुम्हें शामिल नहीं कर रहा था. तो इस पर एनी की फ्रेंड सिमरन बताती है कि एक चांस हमें खेलने के लिए दो, तो उसके बाद देखो कि हम खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते हैं. और एनी की जो फ्रेंड होती है वह फर्स्ट बॉल पे ही दो लड़कों को आउट कर देती है, और इस तरह से वो साबित करती है कि लड़कियां भी अच्छा क्रिकेट खेल सकती हैं. तो इस तरह से इस स्टोरी के थ्रू हमने पढ़ा कि गेम जो है वो हमेशा गेम में फेयर प्ले होना चाहिए, गेम हमेशा ईमानदारी के साथ खेलना चाहिए. और ऐसा नहीं है कि कोई गेम केवल लड़के ही खेल सकते हैं, लड़कियाँ नहीं खेल सकती. लड़के और लड़कियाँ दोनों किसी भी गेम को खेल सकते हैं. रूल्स ऑफ गेम्स आज हम पढ़ेंगे. रूल्स ऑफ गेम्स, गेम के नियम. रूल्स ऑफ गेम, गेम के नियम. फेयर प्ले इज इंपॉर्टेंट. फेयर प्ले इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है. मतलब गेम हमेशा ईमानदारी के साथ खेला जाना चाहिए. एवरीवन शुड प्ले अकॉर्डिंग टू रूल्स. एवरीवन मतलब प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जो भी गेम में शामिल है, शुड प्ले, खेलना चाहिए. अकॉर्डिंग टू रूल्स मतलब नियम के अनुसार. प्रत्येक व्यक्ति को नियम के अनुसार खेल को खेलना चाहिए. मेक श्योर दैट एवरीवन नोज एंड एग्रीड टू द रूल्स बिफोर स्टार्टिंग अ गेम. मेक श्योर, ये हमें निश्चित कर लेना चाहिए कि एवरीवन नोज, प्रत्येक व्यक्ति जानता हो, एंड एग्रीड और सहमत हो टू द रूल्स उस नियम से, बिफोर स्टार्टिंग अ गेम, गेम को स्टार्ट करने से पहले. मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो भी गेम में है, गेम में जो भी नियम है, जो भी रूल है, वह प्रत्येक सदस्य को पता होना चाहिए और सभी उस रूल से सहमत होने चाहिए, तभी गेम को फिर स्टार्ट करना चाहिए. ऐसा नहीं कि गेम में अगर कोई रूल है वो किसी को पता ना हो गेम के रूल्स के बारे में और खेलना स्टार्ट कर दे. तो गेम में जो भी रूल्स है ये सबको पता होने चाहिए. इफ देयर इज डिसएग्रीमेंट, ट्राई टू सॉर्ट इट आउट विदाउट अनप्लीजेंटनेस. इफ देयर इज डिसएग्रीमेंट, अगर कोई किसी भी प्रकार का डिसएग्रीमेंट है, किसी भी प्रकार की असहमति है, अगर गेम में किसी प्रकार की असहमति हो जाती है, तो कि टीम में, अगर टीम में कई लोग हैं, अगर उनमें किसी बात में कोई मतभेद हो जाता है, तो क्या करना चाहिए, ट्राई टू सॉर्ट इट आउट, उसको दूर करने के लिए. सॉर्ट इट आउट मतलब उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए विदाउट अनप्लीजेंटनेस. बिना अनप्लीजेंटनेस मतलब बिना किसी भी बुरी भावना के, बिना दुखित हुए, बिना किसी को हर्ट किए, उस मतभेद को दूर करने की हमें कोशिश करनी चाहिए. प्लीजेंट मतलब होता है सुखद, अनप्लीजेंट का मतलब होता है दुखद. तो
गेम में अगर किसी प्रकार का अगर मतभेद हो जाता है तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि उसको हम उस चीज को, उस मतभेद को हम दूर कर दें और किसी के बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद ना रह जाए. इफ यू कैन नॉट शॉर्ट इट अमॉन्गस्ट योर सेल्फ, इफ यू कैन नॉट शॉर्ट इट, यदि आप शॉर्ट इट नहीं कर सकते, अगर आप शॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं जो भी प्रॉब्लम अगर टीम के बीच में आ गई. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई आउट हो जाता है लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं होता कि मैं आउट हो गया हूँ, तो इस तरह की चीजें हो जाती है. तो आपस में अगर किसी प्रकार का कोई मतभेद है, अगर उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, देन आस्क सम एडल्ट, तो कुछ अगर आपके एडल्ट हैं, कुछ बड़े हैं, तो टू डिसाइड व्हाट इज राइट थिंग टू डू, तो बड़े हैं उनसे आप आस्क सम एडल्ट टू डिसाइड. तो कोई भी जो एडल्ट है, जो भी आपसे बड़ा है, उसको निश्चित करने दीजिए कि व्हाट इज राइट थिंग टू डू, कि क्या चीज सही है, क्या हमें करना चाहिए. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डू नॉट, सॉरी थोड़ा सा आज कर्सर वर्क नहीं कर रहा है. समटाइम्स पीपल आर नॉट एक्सेप्टेड इन अ गेम बिकॉज पर्सन इज पुअर और अ डिफरेंट कास्ट. बिना कर्सर ले गए मैं ऐसे ही बोल रही हूं. समटाइम्स पीपल आर नॉट एक्सेप्टेड इन अ गेम. कभी कभी कुछ लोग गेम में एक्सेप्ट नहीं किए जाते बिकॉज द पर्सन इज पुअर और डिफरेंट कास्ट. या तो वो व्यक्ति या वो लड़का किसी पुअर है या फिर किसी लो कास्ट से, अलग कास्ट से बिलोंग करता है, और डिफरेंट जेंडर या फिर अलग जेंडर का है. जैसे बिट्टू एनी की, एनी को गेम में शामिल नहीं कर रहा था क्योंकि वो लड़की है. इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग गेम में दूसरे पर्सन को शामिल नहीं करते इस आधार पे कि वह व्यक्ति गरीब है या फिर दूसरे जाति का है या फिर अलग जेंडर का है. इस फॉर्म और डिफरेंट कम्युनिटी या फिर वह किसी डिफरेंट समटाइम्स पीपल आर नॉट एक्सेप्टेड इन अ गेम. कभी कभी लोग गेम में स्वीकार नहीं किए जाते बिकॉज द पर्सन इज पुअर, क्योंकि वह लोग गरीब होते हैं और डिफरेंट कास्ट या फिर अलग कास्ट के होते हैं, ऑफ अ डिफरेंट जेंडर या फिर अलग जेंडर की होते हैं. इस फॉर्म अ डिफरेंट कम्युनिटी एटीसी, या फिर वो डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अलग वो समाज से बिलोंग करते हैं इत्यादि. ऑल डिस्क्रिमिनेशन इज रॉन्ग. ये सारे जो डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है मतभेद, ये सारे जो मतभेद है वो गलत है. कास्ट के बेस पे किसी को गेम में शामिल ना करना, कोई गरीब है तो किसी को शामिल ना करना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो गलत है. हमें इस तरह से मतभेद नहीं करना चाहिए. वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम सभी मनुष्य हैं और हम सब में, हम सबके पास उतना ही राइट है हर एक चीज़ करने का. तो ऑल डिस्क्रिमिनेशन इज रॉन्ग. ये सारे जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये सारा जो मतभेद है वो रॉन्ग है, गलत है. पीपल इंडल्ज इन डिफरेंट एक्टिविटीज फॉर एनवायरमेंट. People indulge in different activities for enjoyment. लोग indulge होते हैं, मतलब लोग शामिल होते हैं in different activities, अलग अलग activities में for enjoyment, अपने आनंद के लिए. लोग अपने आनंद के लिए अलग अलग activities में शामिल होते हैं. Some of the recreational activities, कुछ अपने आनंद के लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं, जैसे कि आउटडोर गेम्स या इंडोर गेम्स. गेम्स को टू टाइप्स में डिवाइड हम कर सकते हैं, आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स. ऐसा गेम जो घर के बाहर खेला जाता है उसको हम आउटडोर गेम्स कहते हैं, ऐसा गेम जो घर के भीतर खेला जाता है उसको हम इंडोर गेम्स कहते हैं. तो गेम्स को इस प्रकार टू कैटेगरीज में भी डिवाइड किया जा सकता है, आउटडोर गेम्स एंड इंडोर गेम्स. आउटडोर गेम्स और इंडोर, आउटडोर गेम्स से भी हमको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. जब हम बाहर खेलते हैं, बाहर जाके खेलते हैं, तो हमें ताज़ी हवा मिलती है, और जो भी आउटडोर गेम्स होते हैं उसमें फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, जैसे कि कूदना, दौड़ना, तो इस तरह से फिजिकल एक्सरसाइज हमारा हो जाता है. और साथ ही साथ
जो भी गेम हम खेलते हैं उससे हमारा मेंटल एक्सरसाइज भी होता है, तो इस तरह से और जो भी गेम है वो हमें रिक्रिएशन देता है, मनोरंजन प्रदान करता है, हमें फन देता है। तो गेम्स हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, गेम्स से हमें रिलैक्सेशन मिलता है, हमारे मन को रिलैक्सेशन मिलता है, हमें सुकून मिलता है। तो गेम्स चाहे वो इंडोर गेम हो चाहे आउटडोर, इंडोर गेम्स में फिजिकल एक्टिविटी भले ही नहीं होती हो लेकिन उसमें भी इंडोर गेम्स में भी जो जैसे कि शतरंज या लूडो है उसमें भी हम मेंटल एक्सरसाइज हमारा हो जाता है, हमारा दिमाग उसमें वर्क करता है, तो इस तरह से उसमें भी हमारा मेंटल एक्सरसाइज हो जाता है और साथ ही साथ हमें वो फन देता है, उससे हमें उससे हमारा मनोरंजन होता है। तो इंडोर गेम्स आउटडोर गेम्स काफ़ी बेनिफिट है इन सारे गेम्स के हमारे जीवन में। इसके अलावा भी लोग अपने रिक्रिएशन के लिए अपने मनोरंजन के लिए अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड होते हैं। कोई टीवी देखना पसंद करता है अगर खाली समय हो तो, कुछ लोग टीवी देखते हैं, कुछ लोग स्टोरीज बुक पढ़ना पसंद करते हैं, वाचिंग परफॉर्मेंस और विजिटिंग अदर प्लेसेस। वाचिंग परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्मेंस को देखना, कोई भी व्यक्ति परफॉर्म कर रहा है चाहे वो सिंगिंग हो चाहे वो डांसिंग हो चाहे कोई व्यक्ति नाटक परफॉर्म कर रहा है तो उसको देखना, ये भी एक रिक्रिएशन हो सकता है, ये भी एक मनोरंजन हो सकता है। और विजिटिंग अदर प्लेसेस, कुछ लोगों को घूमने का शौक होता है, घूमने से उनको मनोरंजन मिलता है। तो विजिटिंग घूमना भी बहुत अच्छी बात है, इससे भी हमारा रिक्रिएशन होता है, इससे भी हमारा मनोरंजन। एक जगह बैठे बैठे दिमाग जो है बहुत सोचने की क्षमता जो है वो संकुचित हो जाती है। तो घूमना भी बहुत अच्छी चीज़ है, जब हम घूमते हैं तो इससे भी हमारा काफ़ी हमारा मन बदलता है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हैं अपने अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने अपने मनोरंजन के लिए। कल हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे इस चैप्टर का। आज कर्सर बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है इसलिए मैं जहाँ पढ़ा रही थी वहाँ पे मैं कर्सर लेके नहीं जा पा रही थी।